On Friday, the Gurudwara Singh Sabha in Delhi's Kalkaji opened a 10-bed facility to offer dialysis services to patients suffering from kidney ailments. The effort is being carried out in partnership with the Delhi Sikh Gurudwara Management Committee. हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस यूनिट खुला है जिसमें 10 बेड हैं, 3 मशीनें अभी हमने फिलहाल लगाई हैं जहाँ की सब्सिडाइज रेट पे पेशेंट्स का डायलिसिस किया जाएगा। जो सुविधाएं उन्हें प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल में मिलती है वही सुविधाएं इक्वली हाइजीनिक, उतने ही साफ़ सुथरी हाइजीनिक, यहीं पर हम उनको दवाई भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हम एक सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड कराएंगे। लोगों की प्रॉब्लम को देखते हुए और जिस तरीके दे नाल मैं तुम्हें दसिया कि लोगों के घर के बड़े बजट ने, मैं एक ऐसे परिवार भी कई देखे है जिन्होंने 27-27 साल हो गए डायलिसिस कराते और घर के घर विक जाते हैं क्योंकि इनिया महंगी उस सुविधा को देखते हुए, क्योंकि साड़ी कॉस्ट कटिंग जिनी कर सकते हैं डॉक्टर साहब की फीस तो बाद 1300 रुपया रेट रखे और लोग एदा फायदा इतों चुक सकते हैं। The dialysis machines have been imported from Germany and reputed doctors have been roped in to offer consultations. इंसान को डायलिसिस की तब जरूरत पड़ती है जब उसका किडनी का फंक्शनिंग खत्म हो जाता है। अब वो हफ्ते में 2 बारी हो, 3 बारी हो या हर रोज का हो, वो डॉक्टर बताते हैं, हमें तो खुद पता लगता नहीं है। पर यह है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है और दूसरी वो यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ काफ़ी साफ सफाई है, हर चीज़ की टेक केयर अच्छी है, तो वो देख के अच्छा लगा। ये सुविधा मिलेगी अगर तो क्यों ना करवाएं यहाँ से भी। The Gurudwara management said that the service has been started keeping in mind the tenets of Sikhism that teach everyone to serve humanity with humility.